वेलकम टू योगिक एंड मॉडर्न साइंस। आज मैं कुछ बच्चों के सवाल लूँगा और उन सवालों से जुड़े हुए उनके सवाल ऐसे होते हैं कि बहुत बेसिक सवाल करते हैं स्टूडेंट्स और मेरे सामने के टीचर से भी होता है और बहुत से अलग अलग लोगों से होता है। और उनका एक बेसिक सवाल ये होता है कि ये बताइए कि सृष्टि कैसे बनी, ये पूरी सृष्टि का कोई रचयिता है, कोई बनाने वाला है या अपने आप चल रही है, और अपने आप बनी तो कैसे बनी, पूरा सिस्टम क्या है। तो आज ये जो एपिसोड मैं कर रहा हूँ ये उन बच्चों के प्रश्नों को ध्यान में रखकर कर रहा हूँ कि इसका जो यौगिक विज्ञान के पर्सपेक्टिव से वो कौन से सिद्धांत हैं जिस सिद्धांत के आधार पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, सृष्टि को पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो सिद्धांत है, हम तीन मूल सिद्धांतों पे चल रहे हैं। जो पहला सिद्धांत है वो जीवात्मा का है। जीवात्मा है क्या? जीवात्मा आप ये समझ सकते हो कि दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, कॉन्शियसनेस एंड प्रीमॉर्डियल मैटर। मैटर और कॉन्शियसनेस का कॉम्बिनेशन है ये, और इस ये जो ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें कि लगभग 3% तो कॉन्शियसनेस है और बाकी 97% उसका मैटर है। योग शास्त्र में इस मैटर को, इस ये जो कॉम्बिनेशन है कॉन्शियसनेस और मैटर का, बहुत सारे शास्त्रों में इसको बुद्धि भी कहा जाता है, बहुत से शास्त्र इसको चित्त भी बोलते हैं, अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। पर मैं हम इसको जीवात्मा लेकर चल रहे हैं। तो पहला जो प्रिंसिपल हो गया वो जीवात्मा का हो गया। तो ये जो जीवात्मा है ये है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये कहीं से आई है, कहीं पैदा हुई या बाद में ख़त्म हो जाएगी, नहीं, ये है। है कहने का मतलब ये है कि इसमें समय की कोई गणना अप्लाई नहीं होती है, उस समय के अंदर नहीं है, ठीक है। तो पहला तो प्रिंसिपल हो गया जीवात्मा का। इसको हम चित्र के माध्यम से भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। अभी शर्मा जी की किताब आई है, ये इस नाम से ये किताब है, जीवात्मा आत्मा और परमात्मा यौगिक विज्ञान, ये शर्मा जी की किताब है। तो जो पहला प्रिंसिपल आप देख सकते हो, जीवात्मा और फिर आत्मा और परमात्मा, ये तीन प्रिंसिपल पे हम बात करेंगे। यदि ये तीन प्रिंसिपल समझ में आ गए तो आपको एक फॉर्मूला पता लग जाएगा कि कैसे ये पूरी सृष्टि का विकास हो रहा है, सृष्टि कैसे आई, ठीक है। तो पहला जीवात्मा हो गया, और इसके अंदर ये तीन फिगर है। ये सबसे ऊपर वाला है जो प्लस जैसा है, ठीक है, ये जीवात्मा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, ये हो गया आपका, आप ये कह सकते हो कि प्रकृति कह सकते हो इसको, या अनकॉन्शियसनेस कह सकते हो, या मैटर कह सकते हो। ये जो कलर्ड है, ठीक है ना, इस पूरे कलर को, इसको नहीं, ये पूरे कलर को, और इसके ऊपर थोड़ा स्पेस है, ठीक है ना, स्पेस है जहाँ पे मूवमेंट होती है, तो इसको हम कॉन्शियस कह रहे हैं। तो इसमें 3% कॉन्शियसनेस है और 97% अनकॉन्शियस है पूरा, और ये कह सकते हैं कि प्रीमॉडियल मैटर कह सकते हैं उसको, ठीक है, या इसको बहुत सारे शास्त्रों में मूल प्रकृति भी कहा गया है, मूल प्रकृति, ठीक है, जहाँ पे तीन गुण होते हैं, सत रज तम, ये तीनों बिल्कुल उनका एक इक्विवेलेंट पोजीशन में होते हैं, ठीक है ना, और ऐसे पोजीशन में होते हैं कि वो किसी का प्रभाव वहाँ पे दिखता नहीं है, सब साइलेंट है वहाँ पे। तो ये जीवात्मा की स्थिति होगी, पहली स्थिति। अब जीवात्मा की ये है कि ये अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ पे सृष्टि अभी कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके अंदर गतिविधि क्या होती है? अभी तो दूसरा चित्र में, जो दूसरा चित्र है इसके अंदर, ये जो दूसरा चित्र है, ये वाला, ये इस जीवात्मा का जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ये है, ये हो गया इसका, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ये जो पार्ट है ये नीचे, ये आ गया, ये तो इसको, और ये जो वर्टिकल है, ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, इसको हम एक चेतन की तरह यदि लेते हैं, क्योंकि चेतन इसको ऊपर ही है जस्ट, तो चेतन की तरह यदि हम इसको लेते हैं, तो चेतन
ये तीसरे में आपको दिखाई पड़ेगा, चेतन अपने प्रभाव से, अपने चेतन शक्ति से इस हॉरिजॉन्टल वाले ये अंडे को, ये कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल वाले अंडे को, इसको प्रभावित करता है और प्रभाव स्वरूप इसके अंदर जो अन्य जीवात्माएं हैं। अब ये जो देखिए एक से क्या है कि बहुत अनेक जीवात्माएं बनी हैं। पहला जीवात्मा, जीवात्मा के अंदर जो जो कॉन्शियस पार्ट है उसके प्रभाव से जो हॉरिजॉन्टल जो प्रकृति है हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट में बहुत सारे जीवात्माओं का निर्माण हो चुका है, वो उसके अंदर ही है, अंदर जो तीनों सिस्टम है अंदर ही है, अंदर ठीक है ना। तो एक तो कंप्लीट जीवात्मा, ठीक है, और उसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल जो वो अंडा है उसके अंदर बहुत सारी जीवात्माएं हैं, ठीक है। तो ये तीन प्रिंसिपल हो गए, ठीक है। तो बहुत सारी जीवात्माएं बनी हुई हैं। अब क्या है कि जो उसके जो जीवात्मा में जो कॉन्शियस एनर्जी है उस एनर्जी के प्रभाव से जो जीवात्माएं हैं वो सारे इकट्ठी हो रही हैं, इकट्ठी हो के सृष्टि का ये निर्माण करती हैं, साकार निराकार, साकार निराकार, ठीक है। तो उस जो हॉरिजॉन्टल वाला अंडा है उसके अंदर स्पेस भी है, हाफ में स्पेस है, ठीक है, और नीचे जो है वो एक लिक्विड जैसा पदार्थ है, प्रीमॉडल मैटर को बोलते हैं, लिक्विड जैसा पदार्थ है, ठीक है, और ऊपर स्पेस है, ठीक है, जैसे कि निर्माण प्रक्रिया पूरी हो। तो जीवात्माएं उसी कभी स्पेस में आते हैं कभी उस लिक्विड में जाते हैं और इस तरीके से वो अपना निर्माण उनकी प्रक्रिया चलती है, साकार निराकार, साकार और निराकार की प्रक्रिया सारी चलती है। तो ये तीन प्रिंसिपल हैं अब आकार की, ठीक है ना, अब आकार की बात करें। हाँ, तो ये जो जीवात्मा का जो पहला आकार है, ये जो आकार है, ठीक है ना, इस आकार के आधार पर ही सृष्टि में जो मीन्स कुछ भी निर्माण हो रहा है, किसी भी चीज की सृष्टि हो रही है इस आकार के आधार पर हो रही है, आधार यहाँ आकार बता रहे हैं, इस आकार किस तरीके से चल रहा है, इस आकार के आधार पर हो रही है, ठीक है, ये आकार। और जी, और ये जो हॉरिजॉन्टल अंडा है, ये वाला, ये ठीक है, इस कॉन्शियस एनर्जी के प्रभाव से ये बहुत तेज गति से, आप देख रहे हो ब्रह्मांड ये चलता है, ये रेस पीछे निकल रही है, ये बहुत तेज गति से चल रहा है, बहुत तेज गति से चल रहा है। ब्रह्मांड के अंदर चीजें हैं जी, वो ब्रह्मांड के अंदर जो चीजें हैं वो बहुत छोटे स्केल पे आ चुकी हैं। हाँ, क्योंकि हाँ, यदि इसको कोई बाहर से देखे ब्रह्मांड तो बहुत नेग्लिजिबल दिखाई देगा, एक बिंदु की तरह दिखाई देगा, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, मगर क्योंकि हम ब्रह्मांड के अंदर हैं सारी चीजें विशाल दिखाई देती हैं, व्यापक दिखाई देती हैं, ठीक है, इसलिए हमें लगता है कि ये पता नहीं क्या चीज है, ठीक है ना। तो निर्माण प्रक्रिया में इसमें एक आकार जो है ना, इसमें ये आकार बताया गया, ये वाला जो आकार या कहाँ चल रहा है, ये हाँ, जहाँ नहीं ऐसे करके दिखाओ तब दिखेगा उसमें, ये आकार दिखाई दे रहा है, ये सबसे नीचे वाला, इसके अंदर जो हाँ ये दिखाई दिया, हाँ ये आकार दिखाई दिया ना, ये हाँ, ये आकार जो दिखाई दिया अभी सीधे जी, ये आकार जो चल रहा है ना, जो परमात्मा ऊपर नीचे, हाँ बिल्कुल ये वाला आकार, हाँ तो वो आकार बना रहा है, ये आकार बना रहा है, तो साकार निराकार और आकार, और आकार, आकार बिल्कुल। तो आकार नाना प्रकार है जिन्हें कोई साइंस की पकड़ से बहुत बाहर है, हाँ ब्रह्मांड में जो है जो हॉरिजॉन्टल अंडा इसके अंदर बहुत सारे जीवात्माएं हैं, ठीक है, और इस चेतन शक्ति के प्रभाव से ये सारे पूरा आकार बना रहे हैं, आकार बना रहे हैं, पूरा आकार बना रहा है, और ये आकार किसी की पकड़ में नहीं आ रहे हैं, और ये आकार किसी की पकड़ में, क्योंकि आकार सूक्ष्म है। तो वो साइंस ये कह रही है कि हम जब देखते हैं तो वो एक दिखाई देता फिर अनेक दिखाई देता, हाँ फिर अनेक, तो वो गतिवान की वजह से, गति की वजह से अनेक दिखाई देता, उसकी एक नई लाइन है, उनकी एक नई लाइन है, वो किसी एक लाइन पे नहीं चलता, बहुत सारी लाइनों पे चलता है, अलग 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 उसकी लाइन तय, और इसलिए बहुत सारी उसकी बहुत निर्माण करता है, और इसलिए नाना प्रकार है, ये ब्रह्मांड पूरा नाना प्रकार है। इस तरीके से जो आपने बताया है तो ये बच्चों को इसकी एक फार्मूले के अंतर्गत ये चीजें बन रही हैं, इसलिए ये ब्रह्मांड जो है ना इस तरीके से निर्मित दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल, और खड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा है और ये खत्म होता हुआ भी दिखाई दे, तीन इसकी प्रक्रियाएं हैं, बनना, ये इस्टेब्लिश होना, स्थित होकर के दिखाई देना, और फिर खत्म होना, तो इसकी भी तीन स्थिति है, तीन स्थिति से आप कभी नहीं मुक्त हो सकते, बिल्कुल ये चीजें इसमें, हाँ।
तो बनने के लिए भी तीन चाहिए, बिल्कुल हाँ, तीन का सिस्टम चाहिए, तीन का, ठीक है, और स्थितियां भी तीन है, तीन है, ठीक है, किसी चीज का निर्माण, फिर उसकी स्थिति और फिर उसका विनाश, फिर निर्माण, फिर स्थिति, फिर विनाश, ये प्रक्रिया चलती रहती है। फॉर्मूला जो तीनों का, तीन का ही है, तीन का ही, जीवात्मा, परमात्मा और आत्मा, इसी फॉर्मूले के, और ये जो फॉर्मूला है उसी से सारी जीवात्माएं हैं, उसके अंदर वही फॉर्मूला है, तीन तीन का ही, तीन का फॉर्मूला, तीन का ही फॉर्मूला है। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण आपने बताए, आपने वर्तमान, भविष्यकाल, भूतकाल बताए, तो ये तीन तीन में जो है ना, तीन की वजह से तीन की ही गणित लगी हुई है हर जगह पे। तो ये तीन, एक जो है वो उसके दो अंग हैं, इसलिए वो तीन कहलाया है, बिल्कुल, ये तो एक नहीं बना सकता है, इसलिए वो अपने अंगों से दो से बना रहा है, जैसे आपके हाथ, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, इसलिए वो दो हुआ है और बनना शुरू किया है। तो दो तो उसी में हो गए, जैसे जो हमने पहला सिद्धांत बोला, सिद्धांत जीवात्मा का, सिद्धांत में दो है जी, तो उसमें दो चीजें हैं, दो चीजें, ठीक है ना, एक चेतन है, हाँ, और एक अचेतन है, पूरा है ना, जो कलर्ड है वो सारा अचेतन है, जो स्पेस है वो कॉन्शियसनेस जो है वो चेतन है, दो है, ठीक है। तो दो से फिर तीसरे में जो तीसरा हुआ है, जो प्लस प्लस बने हैं, हाँ, वो तीसरा उसके अंदर आ गया, वो तीसरा उसका अपने आप अंदर आ गया, ठीक है, तो वही चीज बना रहे हैं जो वो पहले, वो पहले से ही है, पहले से जो पूर्व में जो था, जो प्लस उसी चीज को बना रहे, उसी को बना रहे हैं, कुछ नया नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल नया नहीं बना रहे हैं। तो आज जो ये आपने बच्चों के लिए बनाया, ये शायद बच्चे देखेंगे और सुनेंगे तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे तो उम्मीद है कि बच्चों को समझ में आया होगा, हाँ, क्योंकि आपने पहले बहुत सारे एपिसोड्स में जीवात्मा की बात की, परमात्मा की बात की, आत्मा की बात की, ठीक है ना। अब क्योंकि शर्मा जी जब भी कुछ बात कर रहे हैं तो जहाँ पे प्लस है समझ लो जीवात्मा है, हाँ, ठीक है ना, हाँ, और जहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो एग है, जो अंडा है, वो है आत्मा कह रहे हैं, ठीक है, साथ से उसको प्रकृति बोलते हैं, प्रकृति भी बोलते, ठीक है ना, और जो वर्टिकल वाला है वो चेतन की एनर्जी है, उसको कॉन्शियस एनर्जी कह सकते हैं, कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, कैसे भी कह सकते हैं, मगर दो का कॉम्बिनेशन है, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, इन दोनों कॉम्बिनेशन से तीसरी चीज बनी है, बनी क्या उसी में है, उसके अंदर जो जीवात्माएं हैं बहुत सारी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारी, एक जीवात्मा से बहुत सारी जीवात्माएं, हाँ, वो आगे और भी जीवात्माएं बना रही है, बिल्कुल बना और भी जीवात्माएं बना रही है, बनाई रहे अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, और ये प्रोसेस ये चलते चला जा रहा है, चला जा रहा है। तो यदि हम सृष्टि प्रक्रिया को में चेतना को लाते हैं, कॉन्शियसनेस को शामिल करते हैं, ठीक है, तो हमें सारी चीजें समझ में आएंगी। यदि आप कॉन्शियसनेस को हटा दो तो कभी समझ में नहीं आएगी। अब साइंस भी इसी नतीजे पहुंच चुका है कि कॉन्शियसनेस इज द अल्टीमेट रियलिटी, ये सबसे अल्टीमेट रियलिटी है, सबसे अंतिम सत्य है, सबसे आदि कारण समझ लीजिए ये है, क्योंकि चेतन ही सब कुछ कर रहा है। चेतन नहीं होगा आगे वो जीवात्मा बनेगी नहीं, वैसी चेतन के बनने रही है, ठीक है। तो सारी सारी चीजें ये कॉन्शियसनेस पाई जाती है, ठीक है, और उसके अंदर ये तीन सिस्टम है, जीवात्मा, परमात्मा और आत्मा, ठीक है, और ये सृष्टि सारी चल रही है। बाकी ये सब मनन का विषय है, ठीक है, और उसमें चार चीजें और दिखाई देती हैं, उसमें दो नेगेटिव, या नेगेटिव और पॉजिटिव उसके पक्ष दिखाई दे रहे हैं परमात्मा के, और उसके ये भी दिखाई दे रहे हैं कि इसमें एक चुंबकीय सिस्टम केंद्र नीचे की ओर बना रहा है, वो भी उसमें चीज दिखाई दे रही है। तो साइंस जो है योगिक विज्ञान से आगे नहीं है, योगिक आगे नहीं है ना, क्योंकि साइंस अभी तक, साइंस अभी तक, अब तो खैर चेतना की बात कर रहा है ये, आपको पाँच साल पहले तक साइंस कॉन्शियसनेस को मानता ही नहीं था। साइंस ये बोलता था कि जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, इससे सब कॉन्शियसनेस की उत्पत्ति हो रही है, बल्कि योगी साइंस ये मानता था कि नहीं, कॉन्शियसनेस से सबकी उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। अब साइंस हमारे योगी साइंस के कंक्लूजन पे आ चुका है। आज जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, वो सारे लोग चेतना की बात कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसी पे आके अब टिक गए हैं, ठीक है, उनको रियलाइज हो चुका है, ठीक है। और ये जो योगिक साइंस है इस पे ही अब चर्चा होने वाली है, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी ये समझदार लोग हैं, हाँ, तो उसमें जो ये तो मुझे उम्मीद है कि आज कुछ समझ में आया होगा छात्रों को, और आगे जितने भी एपिसोड्स हैं, ठीक है, जब भी हम इन तीनों में बात करते हैं तो होपफुली आप इसको समझेंगे। थैंक यू।